एक दो तीन चार पांच पांच सिर्फ पांच दिनों में सिंघम रिटर्न्स की ललकार ने बॉक्स ऑफिस का स्कोर पहुंचा दिया 100 के पार। 32 करोड़ के साथ फिल्म को साल 2014 की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली थी। फिर सिर्फ दो दिन में फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा भी क्रॉस किया और सिर्फ पांच दिन में ये फिल्म 100 करोड़ कमा चुकी है। रोहित शेट्टी एक्सप्रेस जबरदस्त स्पीड में भाग रही है और जल्दी ही रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से थम्स अप नहीं मिला था, बल्कि ऑडियंस की तरफ से भी मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहे थे। लेकिन पिछली सिंघम के फैंस ने लाइन में लग लग कर जो टिकट लिए हैं, उसी का चमत्कार है कि फिल्म पांच दिन में 100 करोड़ क्रॉस कर गई है। फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग और रोहित शेट्टी के डायरेक्शन के साथ साथ करीना कपूर, अमोल गुप्ते और बाकी कास्ट के काम की भी तारीफ की जा रही है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे खांज की 100 करोड़ वाली फिल्मों को देखकर अब सिंघम ने बोला है, आता माजी सटगले।